भारत में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता का निशान ब्राजील को सौंप दिया है। हालांकि भारत के पास नवंबर के आखिर तक G20 की अध्यक्षता रहेगी। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। इससे पहले आज विश्व नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने राजघाट पर नेताओं का स्वागत किया। अमरीकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इटली की प्रधानमंत्री, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सहित अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 परिवार ने राजघाट पर शांति, सेवा, अनुकंपा और अहिंसा की मिसाल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा, विविधतापूर्ण राष्ट्रों में महात्मा गांधी के अटूट आदर्श सौहार्दपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारे सामूहिक विजन के मार्गदर्शक हैं। इस बीच G20 शिखर सम्मेलन से अलग आज कई द्विपक्षीय बैठकें होनी हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। वे कनाडा, कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। शिखर सम्मेलन के पहले दिन G20 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा स्वीकार की। इसे भारत की G20 अध्यक्षता के लिए महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। इस घोषणा में समावेशी वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई तेज करने और स्वास्थ्य आपातकाल में भविष्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल किए हैं।